कुलम का अस्सलाम वालेकुम आदाब। हमारी ये वीडियो था क्यों रेखे अन्य कोथाय जाबेन ना, आजकेर वीडियो टा देखबेन खूब मन झोंक दिए देखबेन, एटा खूब देखार प्रयोजन सबाइके, विशेष करे त्रिपुरा माथार वरियार जारा आछेन सबाइके आमी विशेष करे अनुरोध करब, क्योंकि आज के वीडियो जो है ना ये बहुत जरूरी है। अगले 2 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, गिनती होने वाला है, उसका पहले उससे पहले मतलब कई तरह के सोशल मीडिया में जो है ना वायरल हो रहा है, इतना सीट मिलेगा, बीजेपी सरकार कर रहा है, 46 जीत रहा है, 49 जीत रहा है, जीत करके सरकार बना रहा है, सीपीएम लोग बोल रहा है कोई अपने खुद सीपीएम बना लेगा, सीपीएम को 36 मिल रहा है। तो अगर बीजेपी को 46 मिल जाएगा तो बीजेपी को 36 कहां से मिलेगा? तो उसी तरह सुंदराली भाई, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इधर एक बात कहना है कि अगर बीजेपी को 46 मिल जाएगा फिर 33 सीपीएम को कहां से मिलेगा? कांग्रेस को फिर मिल रहा है 10, 11, 9 मिल रहा है, ऐसे दिखा रहा है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं इसके बारे में, यह एक बहुत बड़ा चाल है, षड्यंत्र है, इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा माथा का जो ओरियार है, ये त्रिपुरा माथी की ओरियारों को जो है ना डिमोरलाइज करने की एक षड्यंत्र है। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए हमारे भूवाग्रह, हमारे महाराजा ने जो ना पार्टी के सुप्रीमो ने इतना पैसा खर्चा कर रहा है, इतना समय दिया दे रहा है, इतना मतलब हमारे महाराजा इतना खराब स्वास्थ्य लेकर के भी मतलब कितना रैलियां किया है, कितना मतलब स्ट्रेस शो किया है, सब कुछ किया है, लेकिन आप लोग को थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी जो हारने वाला पार्टी है वो हारने वाला पार्टी को मतलब अभी कुछ नहीं रहा, ये लोग को अभी हवा में तीर मारने का बजाय और कुछ नहीं, सोशल मीडिया में और क्या क्या बाहर वाले हो, त्रिपुरा वाले हो, कोई एग्जिट पुल दिखा रहा है 43, बीजेपी लड़ कहा रहा है, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 20 सीटों को आप छोड़ दीजिए, पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में IFFT के साथ झूठ था बीजेपी, मतलब एक झूठ अलायंस था, जिसके कारण से इतना वोट उन लोगों को मिला है। ADC में IFFT और बीजेपी को जो है ना 18 सीट मिला है, तो 18 सीट में इस बार ये 18 छोड़ दीजिए, 18 छोड़ करके फिर और 2 छोड़ दिए दीजिए, 20 सीट छोड़ दीजिए, तो अभी 40 सीटों में लड़ रहा है। अभी 40 सीटों में साउथ में कौन किसको कितना मिलेगा, ये आप लोग को जो राजनीति में थोड़ा अनुभव रखता है, थोड़ा जानकारी है, अब लोगों को मालूम है नॉर्थ में किसको क्या मिल रहा है, मोटा मोटी आप लोगों को जाना है, कदमतला कौन जीत रहा है ये मालूम। आज मैं एक वीडियो देखा हूँ, वीडियो क्या बोलूं, वीडियो नहीं, एक पुश देखा हूँ फेसबुक में, तो उसमें बोल रहा है इस बार कदमतला में, कुर्ती कदमतला में बीजेपी का MLA मिल रहा है, सबको धन्यवाद बिचारा दे रहा है, जैसे रिजल्ट आ गया ऐसे लग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा धीरज रखिए और धीरज रख करके 2 तारीख का इंतजार कीजिए, और 2 तारीख तक जो है ना मुस्तैदी से आपका ड्यूटी कीजिए, स्ट्रांग रूम का ड्यूटी, जो लोग स्ट्रांग रूम में करता है बहुत कुछ करेगा। हमने फेसबुक लाइव में देखा है कल तेलियामुड़ा में कई गुंडे घुस गया है, क्योंकि विरोधियों का जो स्ट्रांग रूम में पहरा देने वाला लोग है उनको निकालने का धमकी दे रहा है, निकाल देगा, उठा के फेंक देगा, 2 तारीख के बाद में ये कर देगा, वो कर देगा, वो जो होगा तब देखा जाएगा, अगर जीत जाता है तो बेचारा करेगा क्या करेगा, हम लोग सहन करेगा, देखते रहेगा क्या कर सकता है, देखेंगे, कोई बात नहीं। फिर आप लोग सबको मैं ये कह रहा हूं, प्लीज 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 2 तारीख का धीरज रखिए, और 2 तारीख तक जो है ना इनको जितना भी पंतारा, जितना भी षड्यंत्र सोशल मीडिया की द्वारा और इसका क्या बोलता है ये फेक न्यूज जो है ना, फेक मीडिया वाला है, गुदी मीडिया, ये गुदी मीडिया लोग पैसा खा करके कुछ भी बोलते रहता है, बोलने दीजिए। 2 तारीख को हम लोग त्रिपुरा मोथा जो है ना लार्जेस्ट सीट लेकर के
सरकार में निर्णायक भूमिका हम पालन करेंगे इंशाल्लाह। इसको आप मजाक मत समझिए, इसको आप क्या बोलूं, ये कोई षड्यंत्र, ये क्या बोलता है, आश्वासन मत समझिए, इसको आप समझिए पक्का। 20 से बहुत ऊपर सीट हम लोग जा रहे हैं और पक्का जा रहे हैं, मैं खबर लेके कह रहा हूँ, हर सीट से मेरा ताल्लुकात है, खबर लेकर के कह रहा हूँ। और आप लोग ये देखिएगा, ये यही रिजल्ट होगा, 20 से बहुत ऊपर हम लोग जाने वाले हैं त्रिपुरा मोता। और ओरियस को ये मैं कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज आप लोग डिमोरलाइज मत होइए। थोड़ा पहले मेरे को एक अच्छा एक इंसान ने फोन किया, त्रिपुरा मोथा की है, बोल रहा है मन खराब है, बोले क्या हो गया, बोलता है ये लोग बोल रहा है ये जीत जाएगा, वो लोग बोल रहे हम ये जीत जाएगा। तो हम इनको ये समझाया है, हम इनको ये समझाया है कि देखिए भाई, ये लड़ कहा रहा है, 40 सीट में लड़ रहा है, आप एडीसी का 20, एसटी रिजर्व जो 20 सीट है ये छोड़ दीजिए, इसमें कोई किसी को मतलब चिड़ा भिजाने का थोड़ा पानी नहीं मिलेगा, जो चिड़ा है ना वो चिड़ा भिजाने का थोड़ा पानी नहीं मिलेगा इनको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबको, आप लोग थोड़ा धीरज रखिए, 2 तारीख का इंतजार कीजिए और कर करके आप देखिए कौन क्या निकलता है। ये सोशल मीडिया में फेक न्यूज मत देखिए, सोशल मीडिया में फेक पोस्ट जो है ना, ये फालतू पोस्ट जो है ना वो मत देखिए, वो कुछ कोई फायदा नहीं है, और देखने से ये लोग अभी क्या करेगा, और कोई षड्यंत्र नहीं रहेगा। कोई बोल रहा है ईवीएम में टेम्परिंग हो जाएगा, नहीं नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप लोग अपना ड्यूटी करते रहिए, कर करके, और 2 तारीख का मतलब मस्तैदी से डांट कर खड़ा रहिए, क्योंकि बहुत कुछ षड्यंत्र कर सकता है, क्योंकि हारने वाला जो पार्टी होगा वो अपना मतलब हर किस्म का जो हिम्मत है वो प्रदर्शन करेगा, शक्ति का प्रदर्शन करेगा। तो इसका हम गणतांत्रिक पद्धतियों से हम जो है ना इलेक्शन लड़े हैं, और आप लोगों ने बहुत काम किया है, और हमारा भूभाग्रा भी बहुत मतलब कष्ट किया है, पैसा से भी सब कुछ, हर कुछ दिया है आप लोगों के लिए, हर कुछ दिया है आप लोगों के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ सब त्रिपुरा मोथा की वॉरियर्स को, अब लोग शांत रहिए और हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत टूटना नहीं चाहिए किसी को भी, और ड्यूटी जो है ना वो पक्का ड्यूटी कीजिएगा, पक्का ड्यूटी कीजिएगा, क्योंकि ये त्रिपुरा मोथा की जो ड्यूटी है और स्ट्रॉन्ग रूम की जो ड्यूटी है, ये लोगों का भरोसा ड्यूटी है, लोगों का जो भरोसा जाता है आपके ऊपर ने, ऊपर वोट दे करके वोट दान किया है, उसका सम्मान कीजिए। उसका सम्मान करने के लिए आपको मस्तैदी से ड्यूटी करना पड़ेगा, और कुछ कोई कुछ बोलेगा, कितना पुश देख लीजिए, उसमें आप मतलब घबराने का कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं, वो कुछ बोलते रहता है, बोलते रहेगा सिर्फ 46 लेके आ रहा है, बहुमत लेकर के आ रहा है, कितना लेकर के आ रहा है, आने दे, देखते हैं कितना सीट लेके आता है। 2 तारीख को ऐसे रिजल्ट आने वाला है, और जितना आदमी देख रहा है आप वीडियो को, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद है, और आप लोग जो है ना इसको फ्लैश कीजिए, बट क्या बोलता है, शेयर कीजिए, कर करके सबको मतलब ये बता दीजिए, जो असली में कुछ नहीं है, सब फाव न्यूज है, फालतू है, बकवास है, और बकवास की जो है ना, सारे बकवास जो है ना 2 तारीख को ऐसे ही थम जाएगा, रुक जाएगा, कोई बकवास काम में नहीं आएगा, क्योंकि लोगों का जो वोट जो है ना वो दान कर लिया है, वो दे दिया है, कहाँ देना है दे दिया, उसका रिजल्ट आने वाला 2 तारीख को, ये सबको मालूम है। तो इसका पहले वो दिल्ली वाला मीडिया क्या बता दिया, हिंदी वाला गुदी मीडिया कौन बता दिया, कौन सा मीडिया क्या बता दिया, डेडलाइन क्या बता दिया, कौन कैसे क्या बता रहा है, उसमें आप नजर मत दीजिए, उसको आप मत देखिए, और देख करके भी आपको इसमें हंसी आता है, कोई बात नहीं। अलविदा, सबको बाय बाय कह रहा हूं, और सबको फिर एक बार मैं कह रहा हूं, आप जो है ना मुस्तैदी से ड्यूटी कीजिए, अपना ड्यूटी कीजिए, 2 तारीख का इंतजार कीजिए, 2 तारीख को हर जहां स्ट्रॉन्ग रूम है, जहां वहां आप तो घुस नहीं सकते, बाहर में रहिएगा, और हिम्मत दीजिएगा, अपना कैंडिडेट को हिम्मत दीजिएगा, अपना वॉरियर्स को हिम्मत दीजिएगा, 12 तारीख के 2 तारीख के 12 तक जो है ना
सुबह 10-12 तक जाना, बहुत किस्म का षड्यंत्र करते रहेगा। पहले देखना आगे है और आगे निकल रहा है, कितना आगे निकल गया, कितना सीट मिल गया, कितना सीट मिलने वाला है, बहुमत में जा रहा है, इसमें ध्यान मत दीजिएगा। अपना स्ट्रांग रूम की तरफ देखते रहिएगा, स्ट्रांग रूम में क्या हो रहा है, अपना आदमी अंदर में रहेगा उसका खबर लेते रहिएगा। और ये गुदी मीडिया, खुदी मीडिया और पुष्ट ये मत देखिए। अलविदा, आखिर में अजान हो गया, सबको मेरी तरफ से सलाम अदब अर्ज़े, कुलों का फिर एक बार, और महाराजा की तबीयत का दुआ करते हैं, अच्छा रहे, बिंदास रहे, आबाद रहे, सरकार गठन करे, लोगों का काम के लिए बहुत काम बाकी है, काम करना है, हम सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। और एक बात है, कोई भाई भागना नहीं है, सब रहिएगा, सब हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, और प्यार मोहब्बत से जो है ना सरकार के काम में हम लोग सहयोगिता करेंगे, इसलिए बोलता हूँ सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज़, अलविदा, और हम भाई बलाई बलाई नो, हम भाई।